संजय दत्त बॉलीवुड के बदनाम अभिनेताओं में से एक है, लेकिन सबके बावजूद उनकी चाहने वालों की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब के वो सुपुत्र थे और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने रॉकी फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इन्हें 3 दशक से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। साथ ही इन्होंने कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज को भी जन्म दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि संजय दत्त ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जहां एक तरफ काफी नाम और शोहरत कमाया है, वहीं दूसरी ओर कई सारे विवादों को भी जन्म दिया है। अवैध हथियार रखने से लेकर जेल जाने तक का उनका विवादों से नाता रहा, लेकिन सबके बावजूद उनके चाहने वालों की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे दिग्गज अभिनेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी है और वो संजय दत्त को सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड की एक ऐसी भी अभिनेत्री रही है जिसके साथ अभिनेता संजय दत्त का 36 का आंकड़ा है और एक समय संजय दत्त और उस अभिनेत्री के बीच में मनमुटाव की खबरों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी सुर्खियां बटोरी थी। और ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रेखा थी। जी हाँ, वही रेखा जिनके साथ अभिनेता संजय दत्त का नाम जोड़ा गया था और इनके लव अफेयर के किस्से भी किसी से छुपे नहीं रहते। अमूमन रेखा के नाम का कहीं पर भी जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले नाम अमिताभ बच्चन का आता है। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी भी किसी से छुपी नहीं रही है और एक जमाने में रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के हर कोई दीवाने हुआ करता था, लेकिन यही नाम जब संजय दत्त के साथ जोड़ा गया तब काफी ज्यादा सुर्खियां छा गई थी। इतना नहीं, बताया तो ये भी जाता है कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर तक लगाती थी और बताया तो ये भी गया था कि संजय दत्त से उन्होंने शादी रचा ली थी। मौजूदा समय में रेखा की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और आज भी वो बला की खूबसूरत लगती है। रेखा बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रही है जिनके फिल्मी सफर से कहीं बढ़कर उनकी निजी जिंदगी चर्चाओं में रही है। प्यार, शादी, धोखा, नफरत, तन्हाई जैसे शब्द हमेशा से ही रेखा की जिंदगी के साथ जुड़े रहे। फिल्मों में भी रेखा को बड़ी मशक्कत के बाद ही काम मिला था। रेखा की लव लाइफ हमेशा मीडिया की सुर्खियों में छाई रही है और इन्हीं में से एक किस्सा था जब रेखा का नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा गया। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि रेखा की जिंदगी के जब कहीं पर भी जिक्र होता है तो अमिताभ बच्चन का नाम आना लाजमी हो जाता है। किसी वक्त पर दोनों के अफेयर के चर्चे आम हुआ करते थे और इसे लेकर कई तरह की कहानियां भी सुनने को मिल जाती थी। हालांकि अमिताभ के अलावा संजय दत्त का नाम भी रेखा के साथ जुड़ चुका है और दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा और संजय दत्त के बारे में यह तक कहा गया था कि दोनों चोरी छिपे शादी कर चुके थे। रेखा और संजय दत्त ने फिल्म जमीन आसमान में एक साथ काम किया था और यह फिल्म साल 1984 में आई थी। इस दौरान रेखा जहां हिट अभिनेत्री का तमगा पा चुकी थी तो वहीं दूसरी ओर संजय दत्त अपने फ्लॉप करियर को लेकर गुजर रहे थे और बताया जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा की नजदीकियां संजय दत्त के साथ बढ़ने लगी थी। संजय दत्त उन दिनों ड्रग्स के चंगुल में भी बुरी तरीके से फंस चुके थे और रेखा इस बात को जानती भी थी, तभी तो उन्होंने इस मुश्किल दौर से संजय दत्त को निकालना चाहती थी। ऐसे में खबरें आने लगी थी कि दोनों का अफेयर अपने चरम सीमा पर चल रहा है और इनकी गुपचुप तरीके से शादी भी हो चुकी। हालांकि इस खबर पर रेखा ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही संजय दत्त ने इन सभी खबरों पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक बार संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का गुस्सा रेखा पर फूटा था और रेखा से दुश्मनी के चलते उन्होंने रेखा को चुड़ैल तक बुला दिया था। रेखा और नरगिस के बीच में किस बात पर तलवारें खिंच गई थी और नरगिस ने उन्हें क्या क्या बोला था, ये बातें उस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। आपको शायद इस बारे में जानकारी होगी कि नरगिस और रेखा के बीच की इस कैट फाइट की वजह नरगिस के बेटे और एक्टर संजय दत्त ही थे। दरअसल संजय दत्त और रेखा के लव अफेयर के किस्से एक समय काफी सुर्खियों में थे। यहां तक बताया भी जाता है कि उस समय रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती थी और ये बात नरगिस को नागवारा गुजरी और उनकी मां नरगिस आग बबूला हो गई थी। बताना चाहेंगे कि अफेयर की खबरों और कथित कैट फाइट पर रेखा और संजय दत्त तो मौन रहे, लेकिन संजय दत्त की मां ने मौका मिलते ही रेखा को बहुत कुछ सुनाया था। 1976 का जिक्र करना चाहेंगे जब एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस ने रेखा के बारे में कहा था कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाना जानती है और इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में एक मजबूत आदमी की जरूरत है। नरगिस ने यहां तक कह दिया था कि कुछ लोगों की नजर में वो एक चुड़ैल से कम नहीं है, तब बहुत ज्यादा विवाद भी कह रहा था।